नमस्कार। आयुर्वेदा आरोग्यम एक विशुद्ध आयुर्वेदिक चैनल, जन जागरूकता एवं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार तथा आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए समर्पित। माई सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज का विषय है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। बार बार कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है, पेट साफ नहीं होता, उनके कारणों और उनके निदान के बारे में चर्चा करेंगे। कार्डिनल सिम्टम्स, कौन कौन से ऐसे मुख्य लक्षण हैं जो कब्ज की अवस्था में होते हैं। फर्स्ट कारण है डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, मल त्याग करने में कठिनाई का होना। स्ट्रेनिंग व्हेन पासिंग स्टूल, मल त्याग करने में जोर या ताकत का लगाना। पासिंग लेस देन यूजुअल, सामान्य से कम मात्रा में मल का त्याग होना। लंपी ड्राई और हार्ड स्टूल, ढेलेदार सूखा या अत्यधिक कड़े मल का त्याग होना। अदर सिम्टम्स, अन्य लक्षण, पेन एंड क्रैम्पिंग इन एब्डोमेन, पेट में दर्द और मरोड़ का होना। फीलिंग ब्लॉटेड, पेट का फूलना। नाउजिया, मिचली जैसा लगना। और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी। कॉम्प्लिकेशन, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की अवस्था में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन मुख्य हैं। नंबर एक, रेक्टल ब्लीडिंग आफ्टर स्ट्रेनिंग, मल त्याग के समय रक्त का आना। एनल फिसर, गुदा मार्ग का कट जाना। पाइल्स या हेमरॉइड्स का होना। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लैटस, गैस का रुकना या अपान वायु का ठीक से निस्तारण ना होना। फीकल इन्फेक्शन, कड़े मल का गुदा मार्ग में रुक जाना या फंसना। रेक्टल प्रोलैप्स, गुदा मार्ग का बाहर आना या गुदभ्रंश का होना। कॉजेस, कौन कौन से कारण हैं। आहार विहार, लाइफ स्टाइल एंड डाइट, लैक ऑफ फाइबरस डाइट, आहार में रेशेदार भोजन की कमी। इनसफिशियंट इनटेक ऑफ वाटर एंड फ्लूइड, पर्याप्त मात्रा में जल या जूस का कम लेना। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक व्यायाम की कमी। अदर कॉजेस, अन्य कारणों में फर्स्ट है जीआई डिसऑर्डर्स, पाचन संस्थान जन्य कारण, जैसे आईबीएस, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बावेल डिजीज, या हर्निया, या आंतों में कहीं सिकुड़ जाना या स्ट्रक्चर होना। डाइवर्टिकुलाइटिस, या कैंसर या ट्यूमर जैसी अवस्था, या एनल फिसर, गुदा मार्ग का कट जाना, ऐसी अवस्था में कब्ज होना सुनिश्चित होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कुछ मेटाबॉलिक कारण होते हैं जैसे डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपोथायरॉइडिज्म, शुगर की अवस्था में और थायराइड की गड़बड़ी में भी कब्ज होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे स्पाइनल इंजरी या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या पार्किंसोनिज्म की कंडीशन में भी कब्ज होता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति में भी कब्ज रहता है। ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत सामान्य है। मेडिकेशन, कुछ औषधियाँ, एलोपैथिक औषधियाँ जो सामान्य रूप से लेने पर कब्ज की अवस्था बनी रहती है, जैसे ओपिवाइड पेन किलर्स, दर्द निवारक गोलियाँ, एंटी डिप्रेसेंट अवसाद की दवाइयाँ, एंटी कन्वल्जेंट्स मिर्गी की दवाइयाँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लड प्रेशर की दवाई, एंटासिड्स, एंटासिड गैस की या एसिडिटी की दवा, एंटी डायुरेटिक मूत्रल दवाइयाँ और आयरन सप्लीमेंट, ये भी कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं। मिसलेनियस कॉजेस, कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे प्रेगनेंसी की अवस्था में भी कब्ज होता है।
वृद्धावस्था में आंतों की मोर्टेलिटी कम हो जाती है, उसमें भी कब्ज होता है। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं या रूटीन चेंजेस होता है लाइफ की, जैसे किसी की नाइट ड्यूटी हो या ट्रेवल कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी जीआई डिस्टरबेंस होता है। और ओवर यूज ऑफ लैक्जेटिव्स, बहुत ज़्यादा लैक्जेटिव यूज करने पर भी कॉन्स्टिपेशन की अवस्था डेवलप होती है। आयुर्वेदिक एडवाइस, आयुर्वेदिक सुझाव, यूज फाइब्रस डाइट, रेशेदार भोजन करें, सफिशियंट वाटर एंड फ्लूइड इंटेक, पर्याप्त मात्रा में पानी और जूस का सेवन करें। लाइफस्टाइल, प्रतिदिन योगा, व्यायाम, प्राणायाम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार जैसे एक्सरसाइज करें। आहार नाल संशोधन, आंतों की चिकनाई या ड्राइनेस अगर आंतों में आ गई हो और आंतों में चिकनाई खत्म हो गई हो, तो ऐसी अवस्था में एरंड तेल का सेवन करें। 25 ml एरंड तेल गुनगुने दूध में रात के समय सेवन करना चाहिए। इससे स्टूल साफ होता है, पेट साफ होता है और आंतों की चिकनाई वापस आती है और रूखापन समाप्त होता है। औषधियाँ, कुछ औषधियाँ जैसे फल त्रिकादि क्वाथ, इस काढ़े का सेवन 20 से 40 ml सुबह और शाम करने से काफ़ी लाभ होता है। आरोग्यवर्धनी बटी, 2 गोली सुबह शाम सेवन करने से अच्छा लाभ होता है। इसके बाद भी अगर लाभ ना हो तो चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही दवाइयों का सेवन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आयुर्वेदा आरोग्यम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।